नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम फोकस करने वाले हैं दो प्रमुख एमएसएमई सेंटर्स फरीदाबाद और पुणे पर। हम यहां पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ट्रेंड्स को समझेंगे, चुनौतियों का जायजा लेंगे और नए अवसरों को एनालाइज करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजीव चावला, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया, और पुणे से मौजूद हैं प्रशांत गिरबाने, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। बातचीत के सिलसिले को आइए शुरू करते हैं। राजीव जी, एमएसएमईज की अगर हम बात करें, वो अपनी तरफ से बाउंस बैक करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन माहौल अनसर्टन है। आप मौजूदा मूड को कैसे देख रहे हैं? अनसर्टिनिटी की डार्कनेस से, कोविड टाइम से जो हमने देखी है, उसके बाद तो केवल हमें फिलहाल उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। कमबैक हुआ है वो रिमार्केबल है, वी शेप्ड है, और उसके बाद जो ग्लोबल टर्मोइल भी जो हो रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर और जो लॉजिस्टिक क्राइसिस कोविड के दौरान हुई, एज यू कैन सी, फॉर्चुनेटली हमारा डोमेस्टिक मार्केट, हमारा इंडिया का जो ग्रोथ है वो समहाउ अनइफेक्टेड है। हालांकि दुनिया में हर चीज़ लिंक्ड होती है, लेकिन आज $50 बिलियन का FDI का निवेश भारत से बाहर चला गया। रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरे यूरोप को और US को मंदी में ला दिया, और इतने हाई इन्फ्लेशन रेट्स है बाकी मार्केट्स में, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा जो ग्रोथ रेट्स है वो फिनोमिनल है। सडनली ऐसे लगता है जैसे एक अद्भुत बूम है हमारे इंडिया के मार्केट में। एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली इम्पैक्ट हुए हैं बिकॉज यूरोप, US या कुछ कंट्रीज में डिमांड कम हुआ है, लेकिन हमारा अपना डोमेस्टिक मार्केट ने हमें इंसुलेट कर रखा है। वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और एक बार तो हमें लगता है कि अब ये जो दशक है ये हमारे लिए बना है, हमारा टाइम आ गया, और MSMEs के लिए ही इस समय अभूतपूर्व संभावना है। प्रशांत जी, आप हमें पुणे के MSMEs के बारे में बता सकें? चैलेंजिंग दौर में कई कंपनीज ने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर काम किया है, साथ ही कई नए सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई भी किया है, आप कैसे देखते हैं इसे? प्रॉब्लम्स हैव आल्सो हेल्प्ड MSMEs टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देमसेल्व्स, और उन्होंने कई सारे नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज लॉन्च की है, एंड आई एम श्योर दैट्स डूइंग वेल। जैसे राजीव जी कह रहे थे, वैसे अभी MSMEs काफ़ी बढ़िया कर रही है एज कम्पेयर टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सैड एंड बैड फेज ऑफ पैंडमिक, तो मैं कहूंगा कि दिस इज ऑल गोइंग वेल नाउ। राजीव जी, आप NCR रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पॉल्यूशन एक बड़ा हेल्थ कंसर्न है, और इसकी वजह से डीजल जेनसेट्स को बैन कर दिया गया है, इसका इंडस्ट्री पर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, खासकर MSMEs पर? जो आज एनवायरमेंट को लेके जो नए नए कंप्लायंसेस बन रहे हैं, जो नए नए रेगुलेशंस बन रहे हैं, वो आज के इस बदलते हुए युग के लिए एक एंटायरली नई चीज़ है। लेकिन एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि अब ये परमानेंट इशू है, और आगे आने वाले समय में ये इश्यूज और अधिक बढ़ेंगे। कई वर्ष पूर्व दिल्ली NCR में डीजल के ऑटो रिक्शाज और टैक्सीज पर बैन लग गया, तो आप ये इमेजिन करिए कि एक छोटा सा ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी था या टैक्सी ड्राइवर भी था, उसे भी अपनी गाड़ी को, अपने ऑटो रिक्शा को CNG में कन्वर्ट करना पड़ा। उसी तरह से फिर पटाखों पर, क्रैकर्स पर बैन लगा, बिक्री पर भी बैन लगा, तो आप इमेजिन करिए कि कितने माइक्रो ट्रेडर्स पर उसका इम्पैक्ट आया होगा। ये एक नया एरा है जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को हमें एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस फैक्टर मानना ही पड़ेगा। जो ग्रैब का Stage 1 है उसमें तो डीजल के जनरेटर्स पे कोई बैन नहीं है, और नॉर्मल डीजल के जनरेटर्स चल सकते हैं, लेकिन जो जैसे ही Grab 2 इन्वोक होता है तो उस समय डीजल के जनरेटर्स पर प्रतिबंध लग जाता है, और या तो गैस बेस्ड जनरेटर चल सकते हैं या ड्यूल फ्यूल जनरेटर्स चल सकते हैं। इट सीम्स एक तरफ तो ड्यूल फ्यूल किट्स की शॉर्टेज रही है, वहीं लिमिटेड फैक्ट्रीज ही PNG बेस्ड जनरेटर्स पर शिफ्ट कर पाई हैं, आपका क्या असेसमेंट है? एक्चुअली तो हमें डीजल जनरेटर की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अगर पावर यूटिलिटीज रेगुलर पावर सप्लाई रखे, क्यों कोई उद्योग डीजल जनरेटर या गैस का जनरेटर भी लेना चाहेगा? ये तो क्योंकि यूटिलिटीज आज तक
75 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए, आज भी हमें पावर आउटेजेस हैं, पावर कट्स हैं, पावर शॉर्टेजेस हैं, क्वालिटी इश्यूज हैं, इसीलिए जनरेटर अपने प्रोडक्शन और मैन पावर को बचाने के लिए पावर का बैकअप रखता है। अब जो ये रिक्वायरमेंट है डीजल को गैस पे कन्वर्ट करने की, आप एक इमेजिन करिए कि कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश रिक्वायर्ड है। अगर मैं सिर्फ फरीदाबाद क्लस्टर की बात करूं तो लगभग 30 से 40 हजार जनरेटर सिर्फ फरीदाबाद क्लस्टर में है। यदि पूरे दिल्ली एनसीआर में लें तो लगभग 1.5 लाख जनरेटर दिल्ली एनसीआर क्लस्टर में होंगे। आज 1.5 लाख इंडस्ट्रीज को यदि सचमुच में कन्वर्ट करना पड़े तो एक दशक से भी अधिक लग जाएगा, और लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा पर जनरेटर है शिफ्ट करने का ड्यूल फ्यूल में, और नया जनसेट ले तो उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों का जो निवेश है जो केवल फोर्स कर रहा है इंडस्ट्रीज को गैस और उसमें जाने के लिए पावर बैकअप के लिए। प्रशांत जी, पुणे एक बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पर एमएसएमईज कैसे गियर अप कर रहे हैं नई संभावनाओं के लिए? आपने सही कहा कि पुणे एक बहुत बड़ा ऑटो हब है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये इससे भी निर्देशा जा सकता है कि जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है वो पूरे देश भर में इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में नंबर एक है। अब ये पुणे की जो फोकस है ऑटो इंडस्ट्री पे, इसे देखते हुए अभी जो शिफ्ट हो रहा है ऑटो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा, ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है, कुछ ऑटो इंडस्ट्री हाइड्रोजन फ्यूल पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, और ऑफकोर्स फ्यूल में इथेनॉल मिक्स हो रहा है, इथेनॉल का एक प्रपोर्शन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। तो ये अल्टरनेट फ्यूल का एरा है जिसमें बायोफ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिक बैटरीज, ये अल्टरनेट फ्यूल्स है अल्टरनेट टू पेट्रोल एंड डीजल। जैसे ये फ्यूल बदल रहे हैं वैसे जो कंपोनेंट्स है एक ऑटोमोटिव या एक कार के, एक व्हीकल के या एक बाइक के, वो बदल रहे हैं। तो इस बदल को देखते हुए कई सारे एसएमईज अपने कंपोनेंट्स को रीवैल्यूएट कर रही हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें। दे आर इन कांस्टेंट टच विथ द ओईएम्स हु आर कमिंग अप विथ दिस न्यूअर प्लांट्स फॉर ईवी बेस्ड व्हीकल्स, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड दे आर रीओरिएंटिंग कि वो अपना चेंज कर रहे हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी इंडस्ट्री 4.0 का ये दौर है, ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें किस प्रकार की लर्निंग्स रही हैं? अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो इसलिए इंडस्ट्री 4.0 बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, जो डिवाइसेस आर कनेक्टिंग विद ईच अदर है, उसका मार्केट शेयर इंडिया का पूरे ग्लोबल में 5% है, विच इज मोर देन आर जीडीपी शेयर, विच मीन्स वी आर डूइंग वेल एज अ कंट्री। हाउएवर थोड़ा डिटेल्स अगर देखा जाए ग्राउंड पे तो बड़ी कंपनियां, स्वाभाविक है कि उन्होंने आईओटी बहुत जल्दी इंप्लीमेंट किया है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज बहुत आसानी से इंप्लीमेंट किए हैं। एमएसएमईज तक अभी तक ये टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से नहीं पहुंची है। अगर उन्हें पहुंचना है तो ये जरूरी है कि बहुत सारे पे एज यू गो सॉल्यूशंस निकले, क्योंकि जहां तक बड़ी कंपनियां एक बड़ा केपेक्स इन्वेस्ट कर सकती हैं इन टेक्नोलॉजीज में, छोटी कंपनियां नहीं कर पाती, तो उन्हें चाहिए क्या कि एक सर्वर एंड पे सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन्वेस्टमेंट्स करें और लघु मध्यम उद्यमियों को वो पर मंथ बेसिस पे चार्ज करें। देश भर में क्लाउड बेस्ड पे एज यू गो सॉल्यूशंस की बहुत आवश्यकता है अगर मास लेवल पर एमएसएमईज ने इन्हें अडॉप्ट करना है तो। राजीव जी, एमएसएमईज बैंकर से कैसे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं जब मौजूदा सिनेरियो में इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा देखा जा रहा है? आज हो सकता है इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो जाए या रेपो रेट आरबीआई ना बढ़ाए या कम बढ़ाए, लेकिन टी बिल में तो फ्लक्चुएशन ग्लोबली डे टू डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पर आता है। तो ऐसे में बैंक्स अपने नए लोन्स को टी बिल्स के साथ अगर लिंक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी एंटायर कॉस्ट को आगे पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ कि आज तक बहुत से बैंक्स हैं जो लोन को फोर क्लोजर पे प्री पेमेंट पेनल्टीज लेते हैं, और जो कि बिल्कुल नाजायज है। एक एमएसएमई जो अपने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए लोन समय से भुगतान कर रहा है और किसी भी कारणवश वो यदि लोन को क्लोज करना चाहता है तो ये बिल्कुल एक नाजायज प्रथा है, ट्रेडिशन है प्री पेमेंट की।
तीसरी चीज, अभी भी बैंक्स हर चीज को कोलेट्रल से लिंक करते हैं और कोलेट्रल की वैल्यू का केवल 60% या 70% ही आगे लोन मिल रहा है। तो ऐसे में जो SMEs बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, विशेषकर वो जो स्मॉल से मीडियम में जा रहे हैं, तो वो अपना निवेश कोलेट्रल खरीदने में करें या अपने बिजनेस में करें, और बैंक्स उनकी ग्रोथ को चोक कर देते हैं। अपेक्षा है बैंक से वो ये है कि वो अपने LTVs को के नॉर्म्स को थोड़ा सा चेंज करें, वो अपने फाइनेंस को बिजनेस मॉडल्स को जोड़ें एक्चुअल टर्नओवर से और कैश फ्लो से। तो कैश फ्लो बेस्ड फंडिंग का ज़माना हमें आगे लाना पड़ेगा, और फिनटेक कंपनीज अगर फैक्टरिंग को ट्रेड्स को और ज्यादा पॉपुलराइज कर सके तो वर्किंग फ्लो कैपिटल SMEs में लाना ही होगा। प्रशांत जी, क्या ये दौर माइक्रो यूनिट्स के लिए खासकर काफी टफ है? क्योंकि अगर हम देखें पहले पैंडेमिक में ये वर्स्ट इंपैक्टेड सेगमेंट्स में शुमार थे, फिर आसमान छूते रॉ मटेरियल की कीमतें और अब बढ़ती ब्याज दरें। RBI का नोटिफिकेशन है इंक्लूजन ऑफ GST एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर अंडर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जो GSTR 1 और GSTR 3 भी भरते हो, उसमें की कुछ इंफॉर्मेशन आपका कंसेंट लेकर, MSME का कंसेंट लेकर अकाउंट एग्रीगेटर को दी जाएगी, जो कि वो देख नहीं सकते इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ उन्हें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पास ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको आपका जो कैश फ्लो बेस है उसको इवैल्यूएट करते हुए बैंक आपको लोन दे पाए, फॉर्मल लोन दे पाए एज कंपेयर टू इनफॉर्मल लोन। और वो आपको फॉर्मल लोन मिलेगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो रीजनेबल होगी। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ी पहल है। ये GSTN जो है इसे अगर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया गया तो डिलेड पेमेंट का इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। जो 10.7 trillion rupees यानी 10.7 lakh crore rupees का जो वॉल्यूम है डिलेड पेमेंट का, तो उसमें भी बहुत, वो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो पाएगा अगर हमने GSTN और ट्रेड्स को कनेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्रेडिट अवेलेबिलिटी को अगर इंप्रूव करेंगे तो क्रेडिट अफोर्डेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस, फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं दो प्रमुख MSME सेंटर्स फरीदाबाद और पुणे पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, हरियाणा में जॉब कोटा पर क्या लेटेस्ट है? इंडस्ट्री को इसको लेकर कंसर्न्स भी रहे हैं। 75% जॉब रिजर्वेशन का जो बिल था, इसे पहले इंस्टेंस पे फरवरी के महीने में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया था, स्टे ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस स्थगनादेश को हटा दिया गया। अभी स्टे ऑर्डर नहीं है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को कि वो इसकी पूरी सुनवाई करके कंप्लीट निर्णय दें। तो अभी ये विचाराधीन है, मामला हाईकोर्ट में है, सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात सुप्रीम हाईकोर्ट में रख दी है और हाई कोर्ट की तरफ से अब फाइनल जजमेंट का इंतजार है। प्रशांत जी, जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है लेटेस्ट ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंग, क्या ये ग्लोबल स्लोडाउन का असर है और क्या FY23 इस अनसर्टेन माहौल में चैलेंजिंग दिख रहा है? जितनी हमारी ग्रोथ हो सकती थी उससे थोड़ी कम हो रही है। कुछ लोग MSMEs ग्राउंड पर कहते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट में लॉस हो गया, राइट, व्हिच मींस थोड़ा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। सो थोड़ा सा ग्रोथ रिड्यूस हो गई बट कम नहीं हुई है। पिछले साल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा $422 billion था। एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सपोर्ट ग्रोथ पॉजिटिव ही रहेगी, जितनी हमें चाहिए उसे थोड़ी कम लगेगी, बट एक्सपोर्ट ग्रोथ मर्चेंडाइज की पॉजिटिव ही रहेगी। अजीत जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई कदम तो उठाए गए हैं, आखिर MSME से आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड पर? एक तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये है जो केंद्र सरकार ले रही है कि सभी राज्यों से अब एक रिपोर्ट कलेक्ट की जा रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी अगले जनवरी के महीने में वो प्रेजेंटेशंस दिल्ली में लेंगे, और सभी राज्य 18 राज्य मिलकर हर पहलू पर एक एक रिपोर्ट
प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे हरियाणा को लीड स्टेट बनाया गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो पूरे कंट्री 18 राज्यों के व्यूज लेकर हरियाणा एमएसएमई के इकोसिस्टम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और फर्दर एक्शन प्लान देगा। उसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जन्मा तमिलनाडु सरकार को दिया गया है और वो पूरे देश से डेटा कलेक्ट करके दे रही है। एमएसएमई सेक्टर की तरफ से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम चाहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस है उसको सरकार को समझने के लिए केवल उसको सरलीकरण करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी फिर से एक बार बहुत सारे राज्य आज की डेट में ग्रीन एमएसएमई से भी सीटीओ मैंडेट मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी एक बहुत बड़ा कंप्लायंस था जो उन पर लाद दिया गया है। तो इस विषय पे हमने प्रेजेंटेशंस दिया है कि एटलीस्ट ग्रीन एमएसएमईज को सीटीओ मैनेजमेंट से अलग रखा जाए। अभी एमएसएमईज के लिए कंप्लायंसेस के बर्डन बहुत से हैं, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनवायरनमेंट को लेके तो ये बर्डन्स बड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि सरकार इनके ऊपर ध्यान दे और आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे कदम उठाए जो डायरेक्ट बेनिफिट दे एमएसएमई सेक्टर को, ग्रास रूट। जहां तक इंडस्ट्री 4.0 की बात है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एमएसएमईज डोंट गेट लेफ्ट बिहाइंड, क्या इसमें पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है? पहला कदम था डिजिटलाइजेशन जो कि ऑलरेडी भारत में इंप्लीमेंट हो चुका है। दूसरी चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जितने भी एक छोटी से छोटी इंडस्ट्री की रिटर्न्स हैं अब सब कुछ ऑनलाइन है पूरे देश में, तो ये एक डेटा इंटीग्रेशन सरकार के एंड पर होने लगा। इंडस्ट्री को दूसरी तरफ सरलीकरण के लिए इसको टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना ही होगा। तो जो गवर्नमेंट के कंप्लायंसेज हैं जैसे जीएसटी के लिए अब ई बिल बनेगा 10 करोड़ से ऊपर के हर कंपनी पर, और अब आगे आने वाले समय में ये लिमिट कम होकर 5 करोड़ आ जाएगी, तो ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन हर इंडस्ट्री तक, हर छोटे से छोटे उद्यमी तक पहुंच रही है। अब सवाल यह है कि उस डिजिटलाइजेशन को जहां अभी तक वो केवल सरकारी कंप्लायंसेस का के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसे अपनी पर्सनल उत्पादकता के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो मुझे लगता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का मैसिव पार्टिसिपेशन चाहिए। उत्पादकता तो लानी ही है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और ओईएम्स का रोल है जो अपनी सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करे और उनको इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार करे। लेकिन ओवरऑल आने में अभी वक्त है, अभी बहुत बड़ा गैप है एमएसएमई सेक्टर में आज की डेट में इंडस्ट्री 4.0 के लिए। ओएनडीसी में क्या है, इट्स एन ओपन नेटवर्क, बायर्स हैं, सेलर्स हैं और इसके बीच में एक प्रोटोकॉल है, वो कहता है कि अगर मुझे 100 ग्लव चाहिए तो जितनी भी वेबसाइट्स है उन सभी वेबसाइट्स को मेरी सभी पोर्टल्स को मेरी रिक्वायरमेंट चली जाएगी, एवरीबडी वुड बिड देयर रिस्पॉन्स एंड देन आई कैन पिक एंड चूज द राइट वन। तो इससे कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो प्राइसेस कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी कंज्यूमर्स के लिए, तो इसका कंज्यूमर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। और ONDC वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग टू रिवोल्यूशनाइज ई कॉमर्स अमंग द इंडियन प्लेयर्स, स्पेशली इट विल हेल्पफुल फॉर MSMEs। ऑलरेडी वो लॉन्च हो चुका है कुछ शहरों में, जैसे कि बैंगलोर में और कुछ शहरों में, और अगले कुछ महीनों में वो पूरे देश भर में फैला हुआ रहेगा। ऐसे माहौल में लार्ज कंपनीज कैसे MSMEs को सपोर्ट कर सकती हैं? पेमेंट आप टाइम पे करें, और आप पेमेंट टाइम पे करें इसलिए और भी कुछ मार्केट में सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड्स तो एक एग्जांपल रहा, ट्रेड्स जैसे सप्लाई चेन को फिनांस करने वाले, OEM सप्लाई चेन को फिनांस करने वाले कई सारे सॉल्यूशंस हैं, अगर वो लार्ज कंपनीज अडॉप्ट कर लेती हैं तो दे वुड बी एबल टू पे द MSMEs वेल इन टाइम विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट फॉर OEMs themselves। कई सारे वेंडर डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो हैं कई बड़ी कंपनी ऑलरेडी लेती हैं, उसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं बहुत ज़्यादा कंडक्ट होने चाहिए ताकि मोर एंड मोर MSMEs अंडरस्टैंड कि लार्ज कंपनीज को एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है और वो अपने आप में क्या बदलाव लाएं ताकि वो लार्ज कंपनीज को सप्लाई कर पाए। और अंत में राजीव जी, इन न्यूर अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए MSMEs कैसी रणनीति पर काम करें? मैं सभी अपने MSME साथियों को ये बात कहूंगा कि अद्भुत माहौल है इस समय बिजनेस का देश में, इससे बेहतर समय बिजनेस के लिए मैंने स्वयं कभी नहीं देखा अपने जीवन काल में। अगला आने वाला दशक भारत का है, बिजनेस का है, और आप खुलकर निवेश करें, सोचें समझें
टेक्नोलॉजी कौन सी लेंगे, मार्केट्स किसको टैप करेंगे, लेकिन निवेश करने से ना हिचकिचाएं। और चाहे आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, अपने बिजनेस में करते हैं, जरूर ये निवेश का समय है, अद्भुत ग्रोथ होगी। प्रशांत जी, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? आप ध्यान दें, एज एमएसएमई एक लघु मध्यम उद्योगी को दो चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक है फिनांसिस, कि चीपर फिनांसिस कहाँ मिलते हैं इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी के साथ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जैसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आ रहा है, अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं, इनकी आप जानकारी ले लें ताकि आप अपनी कॉस्ट जो है, फिनांसिंग कॉस्ट है, उसको कम कर पाएं। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी से लगभग रिलेटेड है, जहां पे भी संभव हो वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज करिएगा। तो इतना ही समय था एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में, अभी के लिए इतना ही। पार्टिसिपेट करने के लिए राजीव चावला, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया, प्रशांत किरबाने, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एमसीसीआई, आपका शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में हम एक नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।